दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो मौजूद है वो यही है कि दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी और आम आदमी पार्टी जो कि 18 शर्तों के साथ सामने आई है वो सरकार क्यों नहीं बना रही है। यहाँ न्यूज रूम में हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदे मौजूद हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल मेहरा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि 18 शर्तों का भंवर क्या है, सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं आप दिल्ली में? राहुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए राहुल मेहरा के पास हम फिर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। मुकेश जी, आप लोगों ने समर्थन की चिट्ठी बाकायदा राज्यपाल को दे दी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने 18 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी रंग बदलती रहती है, जब तक लिखित में आप वादा नहीं देते तब तक वो सरकार बनाने की पहल नहीं करेंगे। मैं नेहा जी थोड़ा प्रोसीजर आपको बता दूं, समर्थन की आवश्यकता विधानसभा के अंदर होती है और एक बार फ्लोर पर समर्थन के बाद 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। अगर इनकी नीयत साफ है और ये 50% बिजली, 700 लीटर पानी, 3.5 लाख नौजवानों को रेगुलर करना, जो इन्होंने वायदे जनता को गुमराह किया है, जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, ये यदि इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो इनको सरकार आज बना लेनी चाहिए थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 30% बिजली बीजेपी ने कहा था, 50 इन्होंने कहा था, दोनों मिलकर 40 ही कर दे, हम तो इसके लिए भी तैयार है, करे तो सही है। कांग्रेस के खिलाफ 60 सीटें दिल्ली की जनता ने 32 और 28 60 सीटें इनको दी हैं बिजली के रेट कम करने के लिए। आप कह रहे हैं कि 18 शर्तें रखने का क्या मतलब है, सरकार में आए और उन शर्तों में से कई फैसले ले। मैं आऊंगी मुकेश जी आपके पास, लेकिन सुधांशु जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है 18 शर्तें क्यों रखी है आम आदमी पार्टी ने? मैं आ जाती हूँ आपके पास, फिर आऊंगी। सर बोल दिया आपने, सुधांशु जी 18 शर्तें क्यों रखी है आम आदमी पार्टी ने, क्यों भरोसा नहीं है उन्हें बीजेपी पर? ये राजनीतिक फूहड़पने का एक उदाहरण है। जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई है उसकी नियत और नीति दोनों ही जनता के सामने है, उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं कि जब ये चुनाव जीते तो मैंने आज ही एक क्लिप देखी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं, भाजपा के साथ नहीं, हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, हम लोग कोई समर्थन लेंगे नहीं, देंगे नहीं। आज जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं तो समय मांग रहे हैं, तो क्या तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, पहले ये तय करें। क्यों? क्योंकि चिट्ठी के अंदर जिन मुद्दों के समर्थन की ये बात कर रहे हैं उन मुद्दों में ही ईमानदारी नहीं है। लोकपाल बिल की अभी भी बात करें, जबकि यहाँ पे लोक आयुक्त एक्ट आना है, लोकपाल बिल तो है ही नहीं। वीआईपी कल्चर की बात करें और वो बात करें कि ये जो है जल्द मोहल्ला कमेटी करेगी, तो मतलब वो सारी अगर आप चिट्ठी पढ़े तो उसके अंदर सिर्फ राजनीतिक नाटकबाजी है, ईमानदारी नहीं। और शब्द जो शब्दावली है वो इतनी इतनी दर्दनाक, दर्द देने वाली शब्दावली है। चलिए इसका जवाब ईमानदारी से राहुल मेहरा जी से, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल मेहरा जी, सवाल ये उठाया जा रहा है ये 18 शर्तें क्यों रखी गई हैं, जबकि 18 में से 16 शर्तें तो ऐसी हैं कि अगर केजरीवाल अपनी सरकार बनाए तो इन्हें वो फैसलों में तब्दील कर सकते हैं, आपको विधानसभा से इसमें सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, अगर आपको उत्तर पता ही है तो आप मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो मेरा उत्तर सुन लीजिए। आपने कहा कि 16 की 16 हम खुद कर सकते हैं, आप एक एक मुद्दा उठा लीजिए और अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप स्वराज बताइए, हम खुद पास कर सकते हैं कानून? ये लेजिस्लेटिव है, हमारी सिर्फ 28 सीटें हैं। अब आपकी बारी खत्म हो गई, अब थोड़ा सबर रखिए। आपने जितना बोलना था बोल लिया, अब दूसरे को सुनने का सबर रखिए। आप ये बताइए, आप क्या लोक आयुक्त जो बिल हम लाते हैं, अन्ना वाला लोकपाल बिल, वो दिल्ली में आप ला सकते हैं क्या? आप ये बताइए, आप ऐसा है, हम तो ऐसा है, आप ही पाक साफ हैं, आप ही सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं। दुनिया जानती है कि आप लोग कितना झूठ बोलते हैं,
कितना सफेद झूठ बोलते अरे हैं भाई, आप लोग 16-18 में सत्य झूठे बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? तो आप नीति और नियति की बात हमसे तो मत करिए। तो आप अब मेरी बात सुनिए, मैं शो में तभी आऊंगा अगर आप मेरी बात सुनने देंगी। आप मॉडरेटर हैं, प्लीज इनको चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। राहुल जी आप अपनी बात रखिए, नहीं करूंगा। राहुल जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन उसमें एक छोटा सा सवाल ये भी, जैसा कांग्रेस पार्टी ने आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बिजली पानी के बिल जो कम कराने की बात आपने कही है, पानी फ्री देना 700 लीटर और बिजली का बिल कम कराना, उसके लिए विधानसभा के सपोर्ट की क्या जरूरत है? वो तो सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम तब तक आगे काम नहीं कर सकते, हमारी पहली शर्त क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, हम 50% कम करेंगे, लेकिन हमें ऑडिट कराना है इन कंपनियों का। शीला दीक्षित की सरकार और बीजेपी जब विपक्ष में थी, ये लोगों ने ऑडिट का अपने हाथ खड़े कर दिए कि कंपनियां हैं वो ऑडिट नहीं मानती। हमने बोला अगर ऑडिट नहीं मानती हम उनके लाइसेंस रद्द कराएंगे। ये लोग हमें शर्त, अगर ये सपोर्ट देना चाहते हैं, देखिए विडंबना देखिए इनकी, ये दो टू की बात देखिए इनकी, ये झूठबंद देखिए इनका, कैसे ये लोग पकड़े जाते हैं। राहुल जी आपकी बात पर सत्येंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। सपोर्ट अनकंडीशनल सपोर्ट अगर है, आप आधे घंटे में चिट्ठी दीजिए अरविंद केजरीवाल को, हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, हम आपके 18 के 18 मुद्दे मानते हैं, लेकिन नहीं ये नहीं लिखेंगे। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रही है, उसको क्या ये बात इतनी मालूम नहीं है कि जो जनादेश है उसमें उसको सिर्फ 27-28% वोट मिले हैं या 30% वोट मिले हैं? और जो किसी भी डेमोक्रेसी में जब ऐसी हालत होती है तो एक सहयोग और एक सहमति बनाकर शासन चलाया जाता है। हम लोग जर्मनी में हम लोगों ने देखा है कि जो दो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी गठबंधन सरकार बनी है। तो यहां ये संदेश देना कि केवल एक हम ईमानदार हैं, आत्मश्रेष्ठता का भाव इनके भीतर इतना है कि और बाकी सभी भ्रष्ट और बेईमान हैं, उनके साथ हम जुड़ नहीं सकते हैं, ये अपने आप में एक ऐसा पोजीशन है जो डेमोक्रेसी के बेसिक टेनेट्स के खिलाफ जाता है। आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उसके लिए राहुल जी के पास जाऊंगी, लेकिन चेतन जी आपको क्या लगता है इस पूरी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी क्या वाकई में जो पॉलिटिक्स है उसे सीधे जनता से जोड़ने की कोशिश कर रही है या एक अड़ियल रवैया अपना लिया है? नहीं, आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, आज फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है उनमें, पर जो मुद्दों पे आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, मेरा कल भी ये कहना था कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, जिसके साथ आप समर्थन करना चाहते हैं उस पर डिस्कशन कीजिए। जब से इलेक्शन रिजल्ट आया है किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन पार्टीज के बीच नहीं हुआ है। जब तक डिस्कशन नहीं होगा आप सरकार नहीं बना सकते। और जो अरविंद ने कहा आज कि 10 दिन में या 7 दिन में वापस आएंगे, एक आशा है कि सही सरकार बन सकती है आम आदमी पार्टी की। राहुल जी सवाल वही है यहाँ पर जो दो यहाँ पर पैनलिस्ट ने पूछा कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो इस चीज को आपकी तरफ से आगे ले जा रहे हैं। एक राजनेता के तौर पे जो कॉमन मिनिमम ग्राउंड तलाशने की कोशिश होनी चाहिए शायद वो नहीं हो रहा। देखिए आप क्या चाहते हैं, कॉमन मिनिमम बेईमानी ग्राउंड चाहते हैं तो आज दोनों बीजेपी और कांग्रेस को बोलें जो बेईमान पार्टीज हैं मिल जाएं और कॉमन मिनिमम बेईमानी का ग्राउंड बना दें। हम तो सिद्धांत पे हैं, हम अपने सिद्धांत से नहीं भटकेंगे, हम जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। हम यहाँ पॉलिटिक्स को रूल्स को चेंज करने आए हैं, इनके रूल्स के साथ गेम खेलने नहीं आए हैं। हम देश की और जनता की सेवा करने आए हैं, शासक बनने नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल का सपना चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, दिल्ली को त्राही त्राही जो हुई हुई है उससे बचाना है। और मेरे को उम्मीद है कि आपके माध्यम से लोग ये समझेंगे। बाकी जहां तक ये बात है कि हम कर सकते हैं कि नहीं, आप ये देखिए बीजेपी में सबसे लापरवाही वाली पार्टी कौन है। आज 32 सीटें बीजेपी की हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, और जो 28 सीटें आई हैं उसको दोनों पार्टी लगातार कह रही है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो चिट्ठी का जवाब दे दीजिए और बोलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम 5 साल की सरकार चलाना चाहते हैं, 5 मिनट की नहीं। बीजेपी लगातार हम पर हमला बोल रही है फिर भी कह रही है तुम सरकार बनाओ, इन दोनों की मंशा पर हम ऐसे कैसे विश्वास कर ले? देखिए एक आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं 8 तारीख के बाद से, उससे लग रहा है कि इनके भीतर भी गहरी खींचतान चल रही है। इनके भीतर एक बार जो है प्रशांत भूषण जी का बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए, उसके बाद कुमार विश्वास का बयान आया कि सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो जिस पर कि योगेंद्र जी ने उसको खारिज किया। इनके भीतर ये कशमकश चल रही है कि अगर हम सरकार नहीं बनाते हैं और चुनाव में जाते हैं तो क्या हमारी सीटें बढ़ेंगी,
या भारी हार होगी, और अगर हम चुनाव में नहीं जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा बड़ा सा जो है आंदोलन खड़ा होगा। इस कसमकस में ये पार्टी चल रही है, इसीलिए वो 18 शर्तें रखी गई हैं, उस पर बातचीत चल रही है। आप कह रहे हैं कि 18 शर्तें इसीलिए रखी गई, अरविंद मोहन जी आपको क्या लगता है 18 शर्तें जो रखी गई और कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस इस पर लिखित में वादा करें, ये क्या किसी नई तरह की राजनीति है जो आम आदमी पार्टी लाने की कोशिश कर रही है? पहली बार चीज खुल के सामने आ रही है, अब तक सब इशारों में बात हो रही थी। कल जब से चिट्ठी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ, उन्होंने बुलाया है, उसके बाद से पहली बार सब लोग अपना पोजीशन लेने को पब्लिकली और लिखित परत में लेने को मजबूर हुए हैं, और मुझे लगता है चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, इससे आगे का रास्ता खुलेगा। आज ही ये बात कि ज़्यादातर चीज़ें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकती हैं जो वो मांग मान रहे हैं, और विधायी काम एकदम अलग हैं, और उसमें सब चीज़ सिर्फ राज्य के बस में नहीं है। राज्य बना लेना अलग, सिर्फ एक किसी एक विधान, इसी विधानसभा से कितनी दफ़े पास हुआ है कि हमको अलग पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो जो काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाले होने हैं वो सब अपने से होंगे। ये चीज़ें उठ के जब सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि कल से आज की पोजीशन में बहुत फर्क आया है, और ये सरकार बनाने के डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, और इसमें ले दे के आप पार्टी को भी जवाब देनी पड़ेगी। अभी तक वो जो चीज़ें दूसरों पे डाल रहे थे, आज के तारीख में अब उनको जवाब देने की स्थिति आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार बनाना उनके लिए ऑप्शन होगा, कुछ चीजों की सफाई उनके लिए भी। और आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उतना अड़ियल रवैया नहीं है, स्टैंड में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, हालांकि और नहीं रह सकते इतना, कम से कम सरकार बनाने चलाने के मामले में इतना भी नहीं रख सकते, क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपने मतदाता के जवाब देना है, बाकी समाज को जवाब देना है, जिसने वोट नहीं दिया है उसको भी जवाब देना है कि आप दिल्ली कैसे चलाएंगे, क्योंकि अब आप दिल्ली के अगुवा। अड़ियल रवैया बहुत वक्त तक नहीं अपनाया जा सकता, और इसके साथ ही एक बात ये भी है कि पहले किसी का समर्थन लेंगे ना देंगे ये कहा था, अब सरकार बनाने तक बात आई है, लेकिन सवाल यही कि जो 18 शर्तें हैं शायद इन्होंने कहीं ना कहीं पेच फंसा दिया। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ इस पर बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। रही है 18 शर्तों का सच क्या है, ये सवाल सबके मन में है। हरिमोहन मिश्रा जी, सवाल ये भी अगर आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखा जाए कि वो कैसे भरोसा कर ले कांग्रेस और बीजेपी पर, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े और जो अब भी उन पर लगातार हमला बोल रही हैं। बेशक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पहले शतरंज की चालें चली हैं, आम आदमी पार्टी के रिएक्शंस उसके बाद आए हैं, उन्होंने शर्तें रखी हैं अपनी, और वो शर्तें कुछ लोग कह सकते हैं कि वो अतिरेकी हैं, लेकिन अतिरेकी होने के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस दोनों ये कह रही हैं कि उसका 50% बिजली का बिल घटाना और पानी मुहैया करा देना 700 लीटर, ये हवाई बातें हैं, वो नहीं करा सकती, झूठी वादे करके आम आदमी पार्टी आई है। तो इसका खंडन करने के लिए एक तरह से आम आदमी पार्टी ने उन शर्तों को उन पर लाए करने की कोशिश की है और उनके जरिए मनवाने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो ये एक तरह से वो दोनों तरफ से एक तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जिसमें दोनों तरफ पोजीशनिंग है। अशोक वानखेड़े जी, तो आम आदमी पार्टी प्रशाद उतनी गलत भी नहीं है, अब आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट। कितनी ईमानदारी से, सवाल ये है कि बिना मांगे इन्होंने समर्थन दे दिया, इनको कांग्रेस वालों को ये कहना, मैंने कांग्रेस वालों का ये सोचता कि इनको कॉर्नर कर ले तो ये मजबूरी में सरकार बना ले। अब मेरा कांग्रेस वालों से भी एक सवाल है, यदि इन्होंने 18 पॉइंट का एक चार्टर दे दिया है, बिना शर्त समर्थन किसको कहते हैं कि आप अपना एजेंडा लगाइए, हमें कोई शर्त नहीं है। इन्होंने जो शर्तें दी है इनका खुद का एजेंडा है आम पार्टी का, जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयार है, तो कांग्रेस के पास जो 18 पॉइंट गए कांग्रेस ने एंडोर्स करके दे देना चाहिए कि हम इसमें लागू करते हैं। मुकेश जी, एंडोर्स कर दीजिए आप, लिखित में कह दीजिए 18 शर्तें मंजूर है। देखिए मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन विधानसभा के अंदर और बाहर रहेगा, लिखित में दे दीजिए ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज व्यवहारिक नहीं है, इन 18 चीजों में इन्होंने लिखा है कि एक मिनट सुनिए, अब 18 शब्दों में लिखा है कि ग्राम सभा से पूछकर भूमि का अधिग्रहण होगा। एक मिनट सुनिए आप, आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, सारा देश चोर है, एक आप ईमानदार है, बाकी सारा देश चोर है।
मैं कहता हूँ आपने ठगा दिल्ली के लोगों को, आपसे बड़ा ठग कोई दिल्ली में नहीं है। नहीं, मुकेश शर्मा, आपने दिल्ली के लोगों के इमोशन को ठगा, क्यों नहीं दे रहे? आपको दिल्ली वाले बताएंगे, आप इतिहास बन चुके हैं। शर्तें नहीं है मुकेश शर्मा जी आपकी, तो सीधे लिखित में लेके मामला खत्म कीजिए। सुनिए ना जी, दिल्ली की जनता का सवाल है, सुनिए ना, अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, सबसे बड़े ठग को अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते हैं, उनकी चोरी पकड़ ली गई। एक, अरे सुनिए आप, आपको आपको परेशानी क्यों हो रही है? एक आप ईमानदार है, बाकी सारा देश चोर है, सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली चोर है, जिन्होंने आपको वोट दिया वो भी चोर है। मुझे भी बोलने का मौका, शर्मा जी आप बिना शर्त, राहुल जी कहते हैं कि बिना शर्त समर्थन, बिना शर्त समर्थन मतलब आप चलाइए जो चाहे उसमें हम आप तैयार है, 18 पॉइंट मांगिए दे दीजिए, आप दे तो दीजिए समर्थन, देखिए तो सही की 18 पॉइंट कैसे लागू करते हैं, अरे उनको चांस तो दे दीजिए एक बार। हाँ नहीं, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है, यही घमासान जो है, यही सियासी घमासान लगातार चल रहा है दिल्ली के अंदर कि किसकी सरकार बनेगी, और आम आदमी पार्टी जो कि 18 शर्तों के साथ आई है, बीजेपी और कांग्रेस को ये फूटे आंख नहीं सुहा रहा है, फिर भी दोनों पार्टियां कह रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए, और ऐसे में दिल्ली की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि दिल्ली में आगे होगा क्या। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, सभी मेहमानों का शुक्रिया, जल्द लौटते हैं।